દીકરો હોવર નો થાય ભણી ગણી ને હોશિયાર બને માર દાકરો હેપી બર્થડે જ થેન્ક યુ મને નથી લાગવું ભાઈ હેપી બર્થડે થેન્ક યુ લે અરે વાહ હેપી બર્થડે થેન્ક યુ અરે દીકરો બોલા કેટલા વર્ષની થઈ ખબર છે તું કેટલા વર્ષની 5 આલા બધા ફ્રેન્ડ્સ ને આપજે હો મમ્મી આપો ને આજો મમ્મી વિડિયો ઉતારજો वेरी गुड तो जी 8:10 हो चुकी है हाउ आर यू ऑल डूइंग वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग हैप्पी बर्थडे टू हेजू बहुत सारे लोगों के फ़ोन ऑलरेडी आने चालू हो चुके हैं बट मैं उठा नहीं पा रहा हूँ रियली सॉरी अबाउट दैट बिकॉज अभी व्लॉग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को व्लॉग दिखाना ज़रूरी है सबको मैं कॉल करूँगा वापस हाँ बेटा ओ वाह चलो चलो तुम्हारी पिगी बैंक में डालो हेजू आज इतनी हैप्पी है 5 ईयर्स की हो गई है ना तो सब 500-500 की नोट ही दे रहे हैं बहुत बढ़िया तो जी हेज़ल का 5th बर्थडे हम लोग कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं कि हाँ डेकोरेशन थोड़ा बहुत करेंगे आके स्कूल पे आके सो जाना उठ के हम डेकोरेशन और हम मजा हाँ, करेंगे और आज हेज़ल स्कूल पे पिंक ड्रेस में जा रही है पिंक ड्रेस क्योंकि उसको ये जो शूज़ है ना वो नए लिए थे दुबई से वो बहुत पहनने का मन हुआ था और ये जो क्या थे लोग आए भाई तो ये है अभी हेज़ल का ठीक है गाइज तो कल हमने स्टार्ट किया था हेज़ू का बर्थडे अम्ब्रेला वो क्या बोलते हैं सबको देके और आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ऐसे ही क्योंकि उसको आज गिफ्ट देना नहीं है इस साल का बर्थडे हमारा ऐसा है कि हेज़ू को गिफ्ट सब लोगों को दूसरे लोगों को देना है हेज़ू को गिफ्ट नहीं मिलेगा मिलेगा तो सिर्फ प्यार ठीक है तो ज़रूरी है एक मैसेज शेयर करना कि बच्चे लोगों को हेज़ू तारे बधाने देवानू है बेटा क्यारे आपणे एवुं शीखवानुं કે આપણે બીજાને દેતા દેવાય ને દઈએ ને તો આપણે સારા લાગીએ એમ દૂધુ ટાઈમ ચલો આમ જો ટાઈમ હો ગયા હે 10 મિનિટ સી બાકી હે અભી નહીં પીના હે પીના તો પડેગા હી નહીં પીના હે હજી પોટી બાકી છે સ્કૂલ બસ આવશે ને તઈ તન પોટી આવ હેઝુ લે ને નહીં હેપી બર્થડે હેઝુ થેન્ક યુ વેલકમ શું કરીશ તું સ્કૂલે જઈને ચોકલેટ દઈશ ચોકલેટ દઈશ બીજું શું કરીશ मने तो चॉकलेट काफ़ी सारे दिनों के बाद आज धूप निकल के आया है तो अच्छा लग रहा है बट मेरे बॉडी में पता नहीं वज़न घट रहा है तो कुछ हो रहा है आई मीन मेरे को ऐसे लिटरली बीमार लग रहा हूँ अंदर से बट ट्राइंग माई बेस्ट टू बी हैप्पी यू नो गुड मॉर्निंग पापा वेरी गुड मॉर्निंग आज का सुविचार बता आज का सुविचार है जिंदगी में जो कुछ भी होता है हाँ किसी वजह से ही होता है वजह से होता है हाँ या तो आपको कुछ बना कर जाता है या कुछ सिखा कर वाह भाई वाह 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 क्या बात है बहुत बढ़िया ओके या क्या कुछ बना के जाता है या फिर कुछ सिखा के जाता है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है वो कुछ रीज़न के लिए होता है तो एंजॉय कीजिए प्रोसेस को और आगे बढ़ते रहिए बहुत बढ़िया सा सुविचार और आज रात को हम लोग लाइव आएंगे उसका टाइमिंग मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा और कल हम लोग जा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर फुल फैमिली तो आपको वो भी कल देखने को मिलेगा और हेज़ू की बर्थडे पार्टी भी होने वाली है तो वो भी आपको देखेगा तो सब एंजॉय करवाऊंगा आपको ठीक है गाइस चलिए पापा थैंक यू फॉर द सुविचार वेरी गुड वेलकम तो जी बज चुके हैं 11:30 और हमारी बीवी जा रही है कहीं पे कुछ लेने के लिए शाक बकाला टोमेटो लेके आना तेरे को कोई इच्छा ना करे वो देखना टोमेटो वैसे भी हम सलाद में कम ही खाते आपको खाना हो तो लेके आती हूँ ज्यादातर मुझे ककड़ी ही पसंद देखते हैं अभी क्या आता है क्या नहीं वो तो बात की बात है पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट है अभी क्या है कि हेज़ल का बर्थडे जितना स्पेशल है उससे ज़्यादा स्पेशल आज का दिन इसीलिए है क्योंकि चंद्रयान लॉन्च होने वाला है अभी 2-3 घंटे में मैं न्यूज़ देख रहा था बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे इंडिया के लिए एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू सी द न्यूज़ हेज़ल जब आएगी उसके बाद हम लोग आई थिंक देखेंगे या फिर उससे पहले क्योंकि 2:30 बजे वो आती है स्कूल से तो देखते हैं अभी लेकिन हेज़ू को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको नॉलेज के बाहर है नॉलेज के बाहर है उसकी बर्थडे का एक्साइटमेंट ठीक है तो गाइज उसके बर्थडे के लिए हम लोग ने छोटा सा एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है घर पर विदाउट गिफ्ट और स्पेशली और वो पार्टी में हम लोग थोड़ा डेकोर वेकोर करेंगे और एंजॉय करेंगे यहाँ पे केक कटिंग करेंगे हमारी सोसाइटी भी इतनी छोटी है कि 4-5 बच्चे ही हैं हाँ तो इसीलिए बच्चों को भी कम बुलाया बट हाँ वो वीडियो आपको कल सुबह देखने को मिलेगा और आज रात को हम लोग लाइव आने वाले हैं 9:30 बजे तो प्लीज़ 9:30 बजे आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ हेज़ू का बर्थडे का सेलिब्रेशन आई मीन सेलिब्रेशन तो हो जाएगा तब तक बट हेज़ू को अगर विश करनी है
हमारे साथ बातें करनी है, बहुत दिन से लाइव आया नहीं है, तो वो आज होने वाला है। तो आप जाइए और थोड़ा टोमेटो लेके आइए, बर्थडे के दिन टोमेटो का केक कट करेंगे। टोमेटो नहीं खाना है तो लेके आओ, अच्छा होगा तो लेके आना, ठीक है। चलिए तो ये हो रहा है, अभी एडिट करूंगा। हाँ फोन ले जाने, फोन नहीं जरूर पड़े सारी का, ये भी हूँ आलस यार, तने फोन नहीं यार, फोन की जरूरत कभी भी कहीं भी पड़ सकती है यार, फोन के बिना भी जीना सीखना चाहिए फोन। अच्छा इसको तो कौन समझाए। एनीवे गाइस, अभी बात करते हैं हेजल के 5 साल की। हेजल 5 साल की हो चुकी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर का बर्थडे का सेलिब्रेशन हमने कैसे कैसे किया था उसका रिकैप थोड़ा सा आप देख लो। आप लोगों को हेजल की कौन सी ऐसी मोमेंट है जो हमेशा यादगार रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बर्थडे के साथ साथ हम पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, लेट्स सी हेजू का 5 ईयर्स का बर्थडे जर्नी। साढ़े 12 और सारिका आ चुकी है घर पे वापस, बहुत ही बढ़िया काम करके। मेरे को अच्छा लगा कि तू टोमेटो लेके आई, मेरे को रूम तक स्मेल आई टोमेटो की। महंगा है ना इसलिए सब जगह स्मेल आती है, वरना तो ये देखिए भाई, ओ माय गॉड, वो फाइन हेल्दी सैलड और एक्सपेंसिव भी। यस वेरी एक्सपेंसिव सैलड। वैसे यहाँ पे 200 रुपए का किलो है, लोग बोल रहे थे 250 का है, 300, वैसा नहीं है, 200 का है, यहाँ पे 200 का ही। कमेंट आए थे कि मुंबई में 160 का मिलता है, मेरे को नहीं पता भाई होगा, अच्छा है अगर मिलता है तो। एनीवे जो आपने हेजू की मेमोरीज का वीडियो देखा वो हमारे दिल के बहुत करीब है। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हो देख के। जब मैं हेजू को चलाला लेने गया था, पहली बार देखने गया था, वो वीडियो मेरे को अनफॉर्चुनेटली अभी मिला नहीं, क्योंकि क्या है कि वो डेटा कहाँ पे है मेरे को अभी याद नहीं है। मेरे लगभग मेरे पास 6 या 7 हार्ड डिस्क पूरी भर चुकी है, उसमें से ढूंढना बहुत हार्ड पड़ गया मेरे को, बट जितना मिला उतना डेटा आपको मैंने दिखाया है। सो दिस इज द जर्नी ऑफ हेजल टिल लास्ट ईयर, अब ये साल का ऐड हो जाएगा। और वैसे भी पहले बच्चे की जो मेमोरीज होती है ना वो दूसरे बच्चे में बन ही नहीं पाती है, सही बात है, कितना भी कर ले। या वी ट्राइड अ लॉट, हम बड़े को डांटने में रहते और छोटे को संभालने में रहते। कनिष्क 9 महीने का हो गया, पता ही नहीं चला मुझे, ये भी ये तक नहीं पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही। 9 महीने का तो हो भी गया, चलिए हो गया। और मेरे को जितना मेरे को चांस मिला ना उतने चांस में मैंने जो हो सका उतना किया, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया ये वो, पर हेजल जितनी वीडियो और फोटो मैं कनिष्क में ले नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज इट्स रियली हार्ड, यू नो, इतना ज़्यादा हमारे को तामझाम हो रहा है लाइफ में, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है। सो बट एनीवे व्लॉग्स में वो दिखाते जा रहा हूँ तो इट्स गुड पार्ट, बट उसका अभी फर्स्ट बर्थडे से स्टार्ट करूँगा जितना हो सके उतना अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना। बट ये है कि भाई आई एम द पर्सन हु लाइक्स टू क्रिएट मेमोरीज एंड हु लाइक्स टू चेरिश द मेमोरीज आफ्टर फ्यू ईयर्स, तो सबके घर में ऐसा होता है, बट मेरा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मेरे को है ना डेटा एकदम डिटेल में लेने का होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा लेता हूँ। एनीवे चलिए देखते हैं कनिष्क क्या कर। एक अच्छी जगह पे हम जा रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन भी साथ ही साथ करते जा रहे हैं। वो मैंने सुबह बता दिया, बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं भाई, देख लीजिए चक्का चक एंजॉय करेंगे, पिकनिक है हमारा वीकेंड का, क्योंकि क्या होता है कि सैटरडे संडे ही हमको मिलता है येसु की स्कूल की वजह से। एनीवे चलिए देखते हैं अभी क्या हो रहा है बाहर। सुबह सुबह मैंने सोचा था कि ड्रोन उड़ाऊंगा, बट वापिस से हो गया है क्लाउडी वेदर। कानुडी व्हाट यू डूइंग? हूं बाबा गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? बढ़िया। टेडू हूं तने। टेडू चल। ये है भाई पापा, हेजल का जो बर्थडे है आज, उसके लिए मैंने थोड़े वीडियोस अभी तैयार किए, उसमें आपका पहली बर्थडे आपने हेजल को ऐसे हाथ में खड़ा रखा था, ऐसा इसको आप खड़े रखो तो मैं फोटो बाद में लूंगा इसकी बर्थडे पे, इसकी पहले बर्थडे पे। ओके ठीक है, तो दोनों फोटो आ जाएंगे। ओके चक ओके भाई बोल दे भाई।
चाकाजाम वीडियो बनाओ, कमेंट आवे छे वीडियो बनावी ना तो आपके चाहने वाले ज्यादा हो रहे हैं तो बनाते हैं ना। तो आप लोग भाई थोड़ा प्रोत्साहन दो हमारे भाई को, ये है ना थोड़ा आलस में निकल रहा है। आलस में नहीं निकल रहा है, काम में हूँ थोड़ा सा। अच्छा ऐसा है, ऐसा तो काम में से टाइम निकाल के यूट्यूब के लिए कुछ का काम रहता है ना भाई। ऑफिस का काम तो काम चलता ही रहता है, वो तो मेन है ना। तो सैटरडे संडे फिक्स कर दो, आप प्रॉमिस कर दो सब लोगों को। नहीं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, सैटरडे संडे कभी कभी लेके आऊंगा वीडियो नई नई। हाँ ये सैटरडे क्या आएगा? ये सैटरडे कुछ नहीं, कल तो हम लोग जाने वाले हैं तो कल नहीं आएगा। तो संडे आएगा? संडे भी नहीं आएगा, संडे मेरा दोस्त जा रहा है सापुतारा घूमने के लिए। तो उसके साथ जाना तू घूमने? वो उसके ऑफिस वालों के साथ जा रहा है। तो तू भी घुस जाना उसमें? उसके साथ नहीं घुस सकता ना। एनीवे तो ट्राई कर यार वीडियो, नो हो सके कुछ भी कर, कुछ भी करो, अकेला जा। अकेला कैसे जाओ, कहीं पे भी जा, वीडियो बना बना बराबर है। ठीक ठीक है भाई, इसको प्रोत्साहन की जरूरत है थोड़ी। तो जी बारिश का प्रमाण बहुत बढ़िया, कलर हो चुके हैं सब ग्रीन, हमारा बिल्ली पत्र एकदम चकाचक और कनिष्क जी खा पी के चकाचक। अभी जो वेट हो रहा है वो बस ये है कि हेजू कब स्कूल से आए और कब हम एंजॉय करें। डेकोरेशन वाले को बोल दिया है, डेकोर होने वाला है अराउंड 5:30 घर पे आके, उसका भी थोड़ा वीडियो में बताऊंगा। और कुछ लोग जो आने वाले हैं उसके साथ मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे चकाचक। क्या बताना चाहते हो भाई? बर्थडे के जो दीदी ने बर्थडे। और यहाँ पे हमारी बीवी जी गुलाबी कुर्ती में चकाचक बढ़िया मात्रा में। क्या हाल है आपके? बार पूछी बड़ा क्या हाल है और जिन बच्चों को भी बुलाया है हमने पड़ोस में से, उनकी मम्मी का भी फोन आया था, स्ट्रिक्टली मना किया है केक मत खिलाना, स्कूल चालू है तो शादी होगी, केक सिर्फ शो के लिए है। वैसे हेजू का एक चीज तो मैंने नोटिस किया, मैंने जो बर्थडे का वीडियो देखा ना, हर साल उसके जो कार्टून के फेवरेट्स है ना बदलते हैं। लास्ट टाइम पेपा पिक था, इस साल पो पेट्रोल है, उससे पहले का कौन सा था? ऐसे ही था, नॉर्मल था। हाँ। तो नहीं इस साल लादा नहीं की का बोल रही थी, लेकिन क्या है पिछली बार हेजू को चाहिए था पो पेट्रोल। हाँ। तो पो पेट्रोल का केक भी हमने डिसाइड कर दिया था, वो ध्रुवी ने भी, ध्रुवी को जैसा जिसको हम केक का ऑर्डर देते वो पसंद भी कर लिया था, लेकिन कुछ प्लान की वजह से वो नहीं हो पाया। तो इस साल वो ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इस साल लादानी की कैंसिल करके अगले साल कुछ, अभी वो जिम्नास्टिक में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, डंबल्स वगैरह की करवाएंगे। ओके तो या ये है ध्रुवी, मतलब गेट इन फॉर केक्स, इंस्टाग्राम में नाम है गेट इन फॉर केक्स, यूजुअली हमारी केक्स वही बनाती है, बहुत अच्छे केक बनाती है। मैंने बोला ये शुगर बिल्कुल भी, मतलब थोड़ी सी कम डालना, वैसे शुगर फ्री बने तो भी अच्छा ही है। अच्छा ही है, चलिए। कमेंट करके बताओ मेरा वीडियो अच्छा लगता है या जयदीप का व्लॉग अच्छा लगता है, कमेंट आवशे मारो व्लॉग अच्छो लागे छे। अरे तू जानी सबका फेवरेट मैं ही हूँ, सेकंड नंबर पे तू है। हमारे घर के स्टार कौन कौन है पता है आपको? कोई नहीं है मेरे अलावा, मम्मी हेजू मैं और हेजू, आप तीनों तो ठीक पछे आओ। एनीवे भाई चलिए अभी ये वीडियो को कमेंट करना मत भूलना, व्लॉग ठीक है, मैं जयदीप जितना भी अच्छा नहीं बना पाती हूँ लेकिन मैं पकाती तो नहीं हूँ, बहुत पका है यार क्या रखा है। चलिए एनीवे अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने जो हार्ड डिस्क आपको जो बोला ना, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, ओ माय गॉड। चलिए भाई ये है सारी हार्ड डिस्क, देख लीजिए इतनी सारी हार्ड डिस्क मैंने देखी है, एक दो तीन क्या है ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस हार्ड डिस्क में ढूंढ ढूंढ के डेटा जितना मिला उतना डाल दिया। ठीक है गाइज चलिए, और ड्रोन भी है ये देखो, ड्रोन भी रेडी किया है, पर क्या है कि बारिश, तो ये वीडियो इधर ही एंड कर डालते हैं। अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक मार दो, बहुत बढ़िया मात्रा में मिलेंगे लाइव सेशन में 9:30 के आसपास, और कल सुबह हेजू के बर्थडे का वीडियो आएगा, और बस एंजॉय करते रहिए, कल एक्साइटेड है हम, कल के लिए बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं फुल फैमिली में, उसका भी एंजॉयमेंट मारेंगे। ठीक है लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं करो कर दो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, सी यू टुमारो, बाय बाय।